सुराज संकल्प यात्रा हमने निकाली। ये 80 दिन की यात्रा है, 13,000 किलोमीटर चलेगी और जगह जगह पे जाके लोगों से मुलाकात करेगी और ये पता करेगी कि वाकई में जो मैंने प्रश्न आपसे पूछे हैं उन प्रश्न का जवाब हमारी जनता को मिला कि नहीं मिला। अब ये 14 दिन के अंदर तो मैंने देखा, बार बार मैं प्रश्न पूछती हूँ, जो वो कहते हैं और जो आप कहते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लोग दुखी हैं, लोग मुझे यही कहते हैं कि भाई इतने दिन निकल गए, हमने कभी ऐसे किसी के सामने नहीं कहा, पर हम आपको कह रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके सरकार को हटा दे ताकि हम लोगों को राहत मिले। ये मेरे को बार बार 13 दिन के अंदर सुनने को मिला। अभी मैं पता कर रही थी तो मुझे ये मालूम पड़ा दुखी आदमी तो मेरे को माता है बहनों से तो पूछना था पर मैं वो दिख नहीं रही, मेरे को आज आप ही से पूछ लू। मेरे को ये बताओ, हाँ वाह वो ठीक है, अरे गलती हो गई दिख गई, हाँ बैठ जाओ ठीक है, बैठ जाओ गलती हो गई, इधर से हट जाओ भैया, आप हट जाओ, मेरे को दिख नहीं रही है वो, अगर आ जाओ, दिख गई। मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि ये महंगाई जो बहुत आसमान छूती हुई हो रही है उससे कुछ सरकार ने आप लोगों को राहत दी? मेरे समय में 70-70 रुपए किलो थी, अब कितनी है? है ना, मेरे समय में 15 रुपए गुड़ का हिसाब था, अब डीजल मेरे 22 रुपए का हिसाब था, अब पेट्रोल 33 रुपए का हिसाब था, अब अरे 1 रुपए कम हो गया है, ऐसा मत करना, अगर 72 था तो 71 हो गया ना, कम हो गया है, सरकार ने कुछ तो किया है आप लोगों के लिए, और मैं समझती हूँ कि 71 रुपए ज्यादा नहीं है, गरीब आदमी के लिए कोई मुसीबत नहीं है। अभी मैं पता कर रही थी तो हमारे एक रिजर्व बैंक के चेयरमैन साहब हैं सुब्बा राव जी, उन्होंने ये कहा कि महंगाई अब बहुत कम इसलिए हो गई है क्योंकि गरीब लोग अच्छा खाना खाने लगे हैं, तो सब्जी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, इसलिए महंगाई हो रही है। अब आप लोग हैं जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, आप सोच लो। अब बताओ, जो सरकार इस तरीके से बात करती है, जिस सरकार को जनता पर कोई परवाह नहीं है, जो मजाक उठा करती है हमारी जनता की, ऐसी सरकार को उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है और उसको तुरंत ही आप लोगों को उठा देना चाहिए। ऐसे ऐसे एमएलए बने हैं जो जमीन का धंधा करते हैं, जो जमीन के ऊपर कब्जा करते हैं, जो गरीब के ऊपर डाका डालने का पूरा काम करते हैं, और मैं समझती हूँ कि ऐसे एमएलए अगर हैं तो ऐसे एमएलए को और ऐसे राज को भी कोई हक नहीं है हमारी सरकार को चलाने। और आप लोगों को आज ये कहने आई हूँ कि 40-65 साल हो गए और 65 साल अपन ने एक सरकार को दिया और 65 साल एक परिवार को दिया। आज मैं कोटा के अंदर बहुत बड़ी सभा हुई थी, उस सभा के अंदर आपके पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह आए थे और शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की कहानी बताई कि किस तरीके से बीमारू प्रदेश को 10 साल पहले उनने पाया और 10 साल के अंदर किस तरीके से आज मध्य प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बना के रखा। आज अगर विकास वृद्धि दर का देखो तो सबसे बेस्ट पूरे देश के अंदर है मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चर का मैंने आप अपने उसका वृद्धि दर देख लो तो सबसे बेस्ट मध्य प्रदेश। अगर आप बिजली का पता कर लो तो वो कह रहे हैं अब 12 जिले हो गए हैं जिसके अंदर वो 24 घंटे बिजली देने लगे हैं और धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश के सब जिलों के अंदर 24 घंटे बिजली, जो घरेलू बिजली मैंने शुरू की थी, वो किसान की बिजली तो अलग, पर घरेलू बिजली जो मैंने शुरू की थी वो घरेलू बिजली अब 12 जिलों के अंदर, कल मंदसौर के अंदर वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर मेरे पूरे जिले के अंदर मैं घरेलू बिजली इसी तरीके से दूंगा। अब वो 10 साल के अंदर एक मध्य प्रदेश, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमीन आसमान का फर्क कर दिया, बिजली लोगों को दे दी है,
सस्ते दाम पे दिए, किसान खुश है, उनका जब भी नुकसान होता है तो तुरंत मुआवजा देते हैं, सपोर्ट प्राइस के हिसाब से बढ़िया तरीके से सपोर्ट प्राइस दिए, चाहे वो किसी भी आपका मैंने गेहूं का हो या कौन कौन पे दिया था उन्होंने, एक तो गेहूं पे भी दिया था और एक मोटे दाल में भी दिया था, कईयों पे दिया, और बता रहे थे हमको कि हमने अपने लोगों के लिए इतना राहत पहुंचाने की कोशिश की, बच्चियां थी बच्चियों के लिए स्पेशल हमने अलग से रख दिया ताकि बच्ची जब 21 साल की हो जाएगी तो 1,20,000 रुपए उसके पास होंगे तो वो किसी के यहाँ गिड़गिड़ा तो नहीं जाएगी, वो इज्जत के साथ किसी के घर में जाएगी। हमने ये सब इंतजाम किया। अगर मध्य प्रदेश 10 साल के अंदर बदल सकता है पूरे अपने प्रदेश को, 15 साल के अंदर नरेंद्र मोदी गुजरात को बदल सकता है और देश के ही मानचित्र के ऊपर नहीं परंतु दुनिया के मानचित्र के ऊपर उसको ला सकता है, तो मुझे ये बताओ कि ये राजस्थान के अंदर क्यों नहीं हो सकता? 5 साल दिए थे आपने हमको, जिस प्रदेश को गड्ढे से बीमारू प्रदेश को भी माना जाता था, हम लोगों ने अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए उसको नीचे से निकाल के गड्ढे में से निकाल के फिर से खड़ा किया, रोड बनाने, अब कितने सुंदर सुंदर रस्ते आपके क्षेत्र के अंदर बने हैं आप देख रहे हो, कई काम इस क्षेत्र के अंदर अपन ने चालू नहीं राजस्थान के अंदर चालू किए, और मैं मानती हूं कि अगर अपने को पूरे 5 साल और मिल जाते तो आज जो मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है वो राजस्थान को देखने को मिलता, यह मैं आपको विश्वास करना चाहती हूं। इसलिए विश्वास कर सकती हूं आपको क्योंकि हम लोगों ने प्रतिज्ञा हमेशा ली है आप लोगों की सेवा करने की, आपके ऊपर राज करने की नहीं, और जो प्रतिज्ञा के ऊपर हम लोग खड़े उतरे हैं, आपने प्यार दिया, आपने विश्वास दिया, आपके विश्वास और प्यार के ऊपर खड़े उतरने की कोशिश करके आपकी जो भी मुसीबतें हैं उन मुसीबतों को सही तरीके से खत्म करने का वो कोशिश किए। ये सरकार है आपकी, है आप बनाते हो, इसलिए जैसे आप चाहते हो वो सरकार को करना चाहिए, परंतु 65 साल से जिस एक परिवार ने और एक सरकार ने राज किया है उनने अपने मनमानी से राज किया, वो काम किया जो अपने परिवारों के लिए अपने लिए ठीक था और दूसरों के लिए नुकसानदायक था। आज इतनी जोरदार महंगाई कहीं होना, लोगों को इतना त्राही त्राही मच जाना, पहली दफा किसान आत्महत्या के ऊपर आने की मैंने कगार पे हो गया, ये कभी राजस्थान के अंदर नहीं हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, ये आंध्र प्रदेश में हुआ, परंतु राजस्थान के किसान कभी भी आत्महत्या के कगार पे आके नहीं खड़ा रहा। आज उसकी वो स्थिति हो गई है कि सही समय पे मुआवजा नहीं मिलता, बोलते हैं कि मुआवजा देंगे परंतु मिलता नहीं है, कहते हैं कि आपको सही बिजली, सही दाम, सही टाइम पे खाद, सही टाइम पे बीज, परंतु मिलता है क्या? आप लोग बैठे हो यहाँ, कभी नहीं मिलता। ये नुकसान करके रखा है अभी चित्तौड़गढ़ की किस्सा आपको बस मैं सुनाऊं। चित्तौड़गढ़ के चांपा केड़ी करके गांव है, उसके पास का एक मजरा है, वहां एक किशन सिंह करके व्यक्ति, 5 दिन उसने पेड़ की हरी छाल खाई और आखिर में 6 दिन भगवान को प्यारा हुआ, अब वो तो होना ही है। इस प्रदेश के अंदर क्या ऐसी भी हालत हो सकती है किसी की? कितनी शर्म आती है हम लोग सबको, मैं तो समझती हूँ कि कलंक और शर्म से सिर झुक जाना चाहिए हम लोगों का, और जो प्रदेश का मुखिया है, प्रदेश की सरकार है, उसको चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी स्थिति जहाँ हमारी महिलाएं सर उठा के चल नहीं सकती। जयपुर एक ऐसा शहर बन गया है कि पूरे देश के अंदर मशहूर हो गया है कि यहाँ महिलाओं की चेनें खींचती हैं। कहाँ वो जयपुर, कहाँ वो राजस्थान जिसको जो मशहूर था, जो इतिहास में मशहूर था, लोग आते थे बाहर से देखने के लिए राजस्थान क्या चीज है, रोज आते थे उसकी माटी को अपने माथे पर लगाने के लिए, और आज सुनते हैं बाहर बैठे हुए कि हाँ जयपुर मशहूर है तो चेन खींचने की, ये कोई बात है? कितनी शर्म की बात है कि दलित उत्पीड़न के अंदर मुकुल वासनिक जो इनके खुद के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि पूरे देश के अंदर नंबर 2 पद पे दलित उत्पीड़न के अंदर राजस्थान, महिला उत्पीड़न में 14 स्थान पे हैं हम पूरे देश में, और बेरोजगारी में देश में हमारा सबसे पहला नंबर है। और ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि नौकरी हम देंगे, अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि 10 लाख नौकरी देंगे,
कहते हैं कि एक एक डेढ़ लाख नौकरी हम देंगे, पर अभी तक तो 50,000 से ज्यादा अगर किसी को नौकरी दी है तो मैं समझती हूँ कि यहाँ सब लोग नाम बदल देंगे। हमने अपने टाइम के अंदर 10 लाख नौकरी सबको दी, और ये बार बार कह रहे हैं सब दूर जाके कि 6 लाख से ज्यादा तो कर्मचारी नहीं है, तो ये कैसे दे सकती है। अब बताओ आज के जमाने के अंदर खाली सरकारी नौकरी होती है क्या? हम लोग तो मेले किए, रोजगार मेले के नाम से जब 15,000 आदमी आया करते थे कोई सुरक्षा कर्मी के लिए, कोई किसी चीज के लिए, और वहां जब आते थे उन लोगों को प्राइवेट में भी नौकरी, तो सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां इन दोनों को मिला के हम लोगों ने किया, और करीबन 10 लाख लोगों को नौकरियों का इंतजाम करने का काम हमने अपनी सरकार के अंदर किया। 4.5 साल कोई काम ही नहीं किया है। आप अपने क्षेत्र के अंदर बता दो मेरे को, आप लोग सब यहाँ बैठे हो, एक काम बता दो जो उन्होंने किया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग खुश हैं। क्या काम? एक काम बता दो। अरे किशनगंज के अंदर कोई एक काम हुआ था? हैंडपंप लगाया, एक हैंडपंप लगा था, और लगाया भी तो अधूरा हैंडपंप, आधा पैसा ठेकेदार के जेब में, ठीक है ना? हाँ, आप ये मान के चलो कि 4.5 साल अपन ने रद्दी की टोकरी में डाल दिए, और अब 6 महीने ये संदेश यात्रा मेरे पीछे ले लेके घूम रहे हैं, और सबको ये कह रहे हैं कि आप तो बता दो आपको क्या चाहिए। सोने का महल चाहिए, दे देंगे। दूध की नदी चाहिए, ले लो। क्या चाहिए बस नाम बोलो और हम आपको हाँ करेंगे। हाँ करना बड़ा आसान है, उसको करना जमीन के ऊपर बहुत कठिन है। और अगर आप कर सकते थे तो 4.5 साल में करके दिखाते। आज 6 महीने बाकी बच गए हैं, चुनाव के पहले हैं, तो सब लोगों के बीच में जा के बोलना कि चिंता मत करो आपको सब काम हम कर देंगे, ये नहीं चलता। और जनता अब सब समझ गई है, और वो समय आ गया है। मैं नहीं समझती हूँ कि हम लोगों के पास कोई टाइम है, या बच्चे बैठे हुए हैं जो बड़े हो गए हैं वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में पलायन करके जाए, वो नहीं चाहते कि हम गुजरात पलायन करके जाए, वो नहीं चाहते कि अपने माँ बाप को अपने छोड़ के जाए। और इसलिए अगर उनको करना है तो उनके हाथ मजबूत करना है, उनको रोजगार का इंतजाम अपने प्रदेश के अंदर ही करके छोड़ना है। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, ये हम लोग सब ने ये सपना देखा है, और हम तन आ गए, एक नया राजस्थान बने, एक ऐसा राजस्थान बने जहाँ हमारी महिला अपने पैर पे खड़े होके और सुरक्षित निकले, ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे नौजवान अपने पैर पे खड़े होके उनको रोजगार मिले, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हमारे किसान मजबूत हो जाए, और मजबूत होके उनको जो उनकी जरूरत है जैसे बिजली है, पानी है, खाद है, बीज है, और समय पे जब जाते हैं बाजार के अंदर अपनी फसल लेके तो अच्छा मूल्य मिले, ऐसा इंतजाम उनको सब लोग चाहते हैं। और मैं ये कह रही हूँ आप लोगों को, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कोई भी एक व्यक्ति के हाथ में जादू नहीं है, परंतु अगर 36 की 36 को और सब मदद एक साथ मिलके एक आवाज में एक परिवार के रूप में एक धागे प्यार के धागे से बन के चल पड़ते हैं, तो कोई शक्ति नहीं है जो उनकी प्रगति रोक सके। सब मिलके काम करेंगे तो सब काम हो जाएंगे। आपने एक सड़क लगा दी तो उस पर हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा। आपने एक हैंडपंप लगा दिया तो सब जाति उस पर पानी पियेंगे, कोई एक अकेले नहीं होगा, सब पूरा परिवार एक साथ चलेगा, और तभी राजस्थान एक बहुत सुंदर और नया राजस्थान बनेगा। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर हमने सबने ये सपना देखा है तो वो समय आ गया जब हम लोग सब मिलके साथ निकलेंगे, एक आवाज में निकलेंगे, और ये अपने आप पे विश्वास करके निकलेंगे, तो भाइयों आप देख लेना वो सपना पूरा अपना होगा। हाँ समय लग सकता है, मैं नहीं कहती कि 5 साल के अंदर बिल्कुल ही कार्य पलट हो जाएगा, हो ही नहीं सकता किसी चीज का, हर चीज के लिए अपना समय लगता है। परंतु जो काम हमने जुट के किया, जैसे बिजली का था, मैं उदाहरण दूं आपको, रोज रोज बैठ के हम उसको उसके पीछे पड़ा करते थे। बिजली की यह स्थिति हो गई कि 72 घंटे के अंदर ट्रांसफॉर्मर बदलने का तो काम अगर नहीं करते थे तो उन लोगों को मुसीबत होती। धीरे धीरे हमने पहली दफा घरेलू बिजली का इंतजाम किया, एक फेज वाला, वो भी धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते कई जगह के ऊपर 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे तक हम ले गए। और मैं मानती हूँ कि 4-5 जो ताप बिजली घर जो झालावाड़ के अंदर भी लगे हैं, जो छबड़ा के अंदर भी लगे हैं,
वो सब ऐसे तार बिजली घर थे जो हमने कहा कि 6 महीने के अंदर अगर आ जाते सरकार हमारी 5 साल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर ही वो आ जाते थे, वो 4000 मेगावाट बिजली हमको और मिल जाती तो राजस्थान की बिजली की ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती। परंतु हम लोग सब ये चाहते ना कल ही हो जाए काम, कल तो होता नहीं, हर चीज की म्याद होती है। और मैं आपको ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से म्याद आपने शिवराज जी को दी, जिस तरीके से मिली गुजरात को, मैं जानती हूँ कि अगर यहाँ मिल जाती हम लोगों को तो आपको ऐसा बैठने की जरूरत ही नहीं होती। उदयपुर डिवीजन के अंदर जब हम लोग गए तो जैसे यहाँ करा करते थे वह तंबू लगा के 8-8 दिन हम लोग रहे, क्षेत्र के अंदर घूमे, लोगों से बातचीत की। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब बैठेंगे रूबरू होंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि क्या है, आपका क्या दुख है और आप क्या चाहते हो। अब समय आएगा, मैं समझती हूँ कि हम लोग फिर करेंगे। मुझे लगता है कि अब सब लोग तंग आ गए और सब लोगों को लगता है कि बस अब हमें समय नहीं खराब करना है। और अगर आपके अन्य गठान बांध के बैठ गए हो तो मेहरबानी करके ये सीट अपनी झोली में जानी है। अब मेरे को हाँ करके मेरे को यहाँ मत भेजना, क्योंकि मुझे मालूम है कि तब क्या होता है। तो आप तो आएंगे परंतु आप जब ये कहते जाओगे कि ये सीट अपने हाथ में आनी है तब तो मजा आएगा। किशनगंज जब आ जाएगा तो मैं सोचूंगी वैसे ही अपन पार हो गए। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये पूरे लोगों को जो भी सब यहाँ आए उनको सबको बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ। और मैं सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये परिवार, इस परिवार को सुदृढ़ करने का अपन लोग मिलकर काम करेंगे। एक जोरदार नारा मेरे साथ आप लोग दोगे, भारतीय जनता पार्टी। हाँ आवाज है तो सही, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा। आप लोग सब मिलके साथ चलोगे तब मजा आएगा। देखो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जी मजीद, मैंने कमांडो थाना से निवेदन है कि